हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सात क्लासेस और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस और इस वीडियो को हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एनिमेशन ताकि हम देख भी लें कि भाई इनका प्रैक्टिकल पर्पस है क्या ओके तो इन इन योर बुक्स आपने देखा होगा कि खाली लेंसेज के बारे में लिखा हुआ है बस उसके बारे में कोई प्रैक्टिकल ऐसे एप्लीकेशन उसमें दिखे दिखा नहीं है मतलब ठीक है तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और आप अपने क्वेश्चन अपने मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं जो भी आपको कुछ अगर क्वेश्चन है so तो यू कैन सेंड योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यूजेज ऑफ कॉन्वैक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंसिंग है यूजेज ऑफ कॉन्वैक्स लेंस तो पहला यूज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ओके okay? तो so, पहला टॉपिक हम कवर करेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो पहला आपने जैसा देखा है लिखा हुआ है यू कैन यूज योर पेन एंड कॉपी टू राइट डाउन द नोट्स आल्सो ओके तो पहला पॉइंट हमारा कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज इन आई ग्लासेस तो जो आप चश्मे पहनते हैं ओके तो उसमें कौन सा लेंस यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस सो कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जो ओल्ड एज पीपल होते हैं क्योंकि उनको छोटे अल्फाबेट क्लियरली नहीं दिख पाते हैं यानी मैं कहूं कि उनको पास का क्लियरली व्यू नहीं होता है सो फॉर दैट पर्पस हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस सो दे आर यूज इन आई ग्लासेस पहला पर्पज तो ये हो गया तो जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि इसमें क्या होता है इस केस में आपकी जो इमेज होती है ये आपको हो गया रेटिना रेटिना बोले तो स्क्रीन कह लीजिए रेटिना हमारा आई के अंदर एक स्क्रीन का काम करती है तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इमेज जो बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है तो आपको स्क्रीन पर बनना चाहिए तो हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक कॉन लेंस अगर यूज करेंगे तो ये लाइट को और डाइवर्ट कर देगा और आपकी इमेज बन जाएगी रेटिना पे ओके सो दिस इज अ डिफेक्टिव आई जो ये जो आई का मैंने फोटो दिखाया है आपको एनिमेशन दिखाया है इट्स अ डिफेक्टिव आई तो so नेक्स्ट देखते हैं यूज कॉन्वेक्स लेंस का इट इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लासेज तो भाई मैग्निफाइंग ग्लासेस आप सबने देखा होगा कि मैग्नीफाइंग मतलब ये होता है कि कोई छोटी सी चीज को बड़ा कर दे लाइक दे आर यूज बाई डिटेक्टिव देखा होगा कि आप बहुत सारी मूवीज में फॉर सींग द फिंगरप्रिंट्स अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फिंगरप्रिंट्स हैं तो दे कैन मैग्नीफाई द थिंग तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि दे आर यूज बाय द एस्ट्रोलॉजर्स अगर आप दे आर यूज बाय आप अपना हाथ देखते हैं भविष्य देखते हैं तो रेखाएं देखते हैं ना सो दीज आर द मैग्नीफाइंग ग्लासेस दे यूज नेक्स्ट यूज थर्ड पॉइंट लिखते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज इन कैमराज आपके जो मोबाइल के कैमराज होते हैं या आपके डी होते हैं तो उसमें भी हम क्या होते हैं का यूज किया जाता है so इसमें, में एक लेंस नहीं होता बट दे यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स की बात चल रही है तो कॉन्वेक्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय इसकी इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है स्क्रीन पर तो तभी आपने देखा होगा जो पुराने कैमरा अगर आपको पता हो उसमें एक रील सिस्टम होता था रील तो रील जो होती थी उसमें हम बोलते थे नेगेटिव उसका जो आउटपुट आता था उसको हम बोलते थे नेगेटिव अगर आपको नहीं पता तो पहले ज़माने में कैमराज यूज होते थे अब तो नहीं दिखते तो वो नेगेटिव का मतलब होता था कि जो भी इमेज कैमरा कैप्चर करता है वो उल्टी करता है ठीक है तो उसको जब हम हम डेवलप कराने जाते हैं मार्केट में उसको रील को कहते थे रील को धुलवा के लिया हो तो जब उसको डेवलप कराते थे तो वो हमको सीधी कर देता था इन्वर्ट कर दे कर देता था तो यही केस होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्योंकि वो आपकी इमेज को क्या बनाता है उल्टा बनाता है नेक्स्ट सो थर्ड यूज हो गया आपका यूज इन नेक्स्ट यूज यूज होता है used in microscope, है इन माइक्रोस्कोप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका अगर आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा अपने लैब्स में या जहां भी आपने देखा हो तो इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे सो यू विल गेट द फाइनल इमेज इन दिस फॉर्म नाउ यू कैन कंपेयर द साइज ऑफ बोथ द इमेजेस

भाई कॉन्केव लेंस कौन यूज करता है फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर ये जो डिफेक्ट होता है ये यंग एज में होता है जिसमें कि स्टूडेंट दूर का नहीं देख पाते जो लोग दूर का नहीं देख पाते ना तो उनके लिए कौन से लेंस यूज करते हैं वी यूज कॉनकेव लेंस ओके इसको ध्यान रखिएगा तो इसमें क्या होता है इसमें उल्टा होता है इसमें अगर आप देख पा रहे हैं ये एक डिफेक्टिव आई है अभी डिफेक्टिव आई है तो अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस अगर मैं चश्मा पहन लेता हूं तो इट विल डाइवर्स द लाइव डाइवर्स करेगा एंड इट विल हेल्प टू फॉर्म द इमेज इन रेटिना लाइक दिस वे ठीक है तो इसमें क्या होता है कॉन केव लेंस हम वहां पर यूज करते हैं अगर कोई आए रेटिना से पहले इमेज बना देती है यहाँ पे देखिए रेटिना से पहले इमेज बन रही है ठीक है और ये एरर फ्री हो के यहाँ पर बन गई तो अगर आपकी इमेज रेटिना से पहले बन रही है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन केव लेंस ठीक है चलिए नेक्स्ट यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन लेजर अब लेजर में कैसे यूज होता है आपने देखा होगा कि बहुत सारे शोज देखे होंगे तो वहां पे आपका क्या होता है लेजर लाइट्स होती हैं तो वहां पे हमको पता होता है कॉन्केव लेंस किस टाइप का लेंस होता है लेंस इज डाइवर्जिंग इन यानी वो लाइट को फैलाता है डाइवर्ज करता है सो यू कैन सी यहाँ पे लेजर क्या हो रही है ये डाइवर्ज हो रही है ये फैल रही है लाइट ओके तो इसके अंदर यूज वी यूज कॉन्केव लेंस तो आप इसमें भी डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहां से पैरेलल रेज गई एंड दिस इज माय कॉनकेव लेंस और ये लाइट क्या हो गई डाइवर्ज हो गई तो ये हमने पढ़ा है पहले कि कॉन्केव लेंस का नेचर क्या होता है डाइवर्जिंग होता है वो लाइट को फैलाता है नेक्स्ट यूज लिखिए यूज ऑफ कॉन्केव लेंस इन कैमरा जैसे मैंने कहा था कि कैमराज में क्या होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज उसमें दोनों लेंस यूज करे जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अपने मोबाइल फोन या डी एस एल आर जो भी आपका कैमरा है उसमें आप फोकस को एडजस्ट करते हैं आगे पीछे तो पिक्चर जूम इन जूम आउट होती है सो इट इज ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ठीक है तो आप इस जूम को इस लेंस को आगे पीछे एडजस्ट करते हैं सो अनदर यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दे आर इन नेक्स्ट इज दे आर यूज इन फ्लैश लाइट सो इसको देखते हैं फ्लैश लाइट आप एक एनिमेशन देख पा रहे हैं ये लाइट के हुआ लाइट सीधी नहीं जा रही जाने तो सीधी चाहिए बट यहाँ पे क्या किया उन्होंने कैमरा के अंदर एक लेंस लगा रखा है कॉनकेव लेंस क्या हो रहा है लाइट आपकी डाइवर्ज हो रही है लाइट आपकी फैल रही है ये yes no? so लिखते हैं जल्दी से कॉन्केव लेंस आर यूज इन पीपोल लास्ट पॉइंट है कॉन्केव लेंस का पीपोल क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा डोर्स पर ये एक छोटा सा होल होता है देखा ही नहीं देखा भाई आप घर के अंदर हैं कोई अननोन पर्सन आपके घर विजिट किया तो आप एकदम से दरवाजा नहीं खोलते क्यों नहीं खोलते फॉर सिक्योरिटी रीजन दैट पर्सन कैन बी एनी वो पर्सन आपका जानने वाला भी हो सकता है और दैट पर्सन विल बी अननोन तो हम क्या करते हैं हमने एक पीप होल दरवाजे में लगा देते हैं और इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर लगा होता है आपका कौन सा लेंस भाई कॉनकेव लेंस ठीक है इसके अंदर लगा होता है आपका कॉनकेव लेंस तो कॉनकेव लेंस क्या करता है वो पूरा फील्ड ऑफ व्यू पीछे का दे देता है भाई बाहर कौन है लाइक इफ यू कैन सी इन दिस एनिमेशन तो सपोज दिस गायज देयर और आपको नहीं पता कि भाई ये मेरा जानने वाला है या नहीं तो so, आप कॉनकेव लेंस की मदद से जो इसके अंदर लगा है आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूरा पीछे का बैकग्राउंड आपको क्लियरली व्यू हो, हो जाता है कि भाई बैकग्राउंड में कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं है तो so, अगर आप इस आदमी को जानते हैं देन यू विल ओपन द ओपन द डोर अदरवाइज यू विल कीप द डोर शट सो दिस इज हाउ वी यूज कॉनकेव लेंस सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में इसको आप पढ़ लीजिएगा इसके अलावा भी और बहुत सारी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर मैंने लिमिटेड ये एप्लीकेशन रखी हैं जो कि यूजफुल हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग सात क्लासेस